माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने सारे रोज खिले हुए। आपको दिखाती हूँ उतर के पानी कितना है। हमें सुबह में 8:30 बजे तक निकलना है। जहाँ हमें जाना है तो अम्मी ने ले जाने के लिए बनाया है चिकन काली मिर्च, और दूसरी साइड हो रहे हमारे कच्चे कबाब रेडी चटनी वाले। और अभी इसकी चटनी भी बनाई जाएगी, भूनी जाएगी, फिर उसमें कबाब मिक्स होंगे। तो ये देखिए सब ये बनाकर रख लिए हैं, तैयारी चल रही है और यहाँ पर अम्मी फ्राई कर रही है। जल्दी उठ गई थी कि जल्दी काम निमट जाएगा, वरना तो काम जो है बहुत फैला फैला रहता है। दूसरी साइड जो है मैं चटनी यहाँ पर भून रही हूँ, कि इधर चटनी भुन जाएगी उधर कबाब रेडी हो जाएंगे, तो फिर इसमें मिक्स कर देंगे, जल्दी जल्दी काम निमट जाएगा। तो ये हमारी चटनी भी बस भुन गई है और हमारे कबाब भी तैयार हो गए हैं और वो चटनी में मिक्स करते हैं। तो ये देखिए अब सारे कबाब हमारे रेडी हो गए हैं, तो हम ये चटनी में मिक्स कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा यमी होते हैं और आप लोग सब बनाते ही होंगे, नॉर्मली सबके यहाँ पर बनते ही हैं। खाना जो है हम घर से ही लेकर जा रहे हैं, बाहर नहीं खाएंगे। बाहर की जो है छोटी मोटी चीज़ें हम लोग ले लेंगे, लेकिन खाना घर से ही रेडी करके ले जा रहे हैं। कबाब चटनी में मिक्स हो गए हैं, कबाब हो गए हैं बिल्कुल रेडी। उधर काली मिर्च हमारा चिकन का रेडी हो चुका है। पिज्ज़ा सॉस बनाने के लिए ले लिया हमने यहाँ किसान फ्रेश टोमाटो केचप। अब ये लेते हैं यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच मैं ले लूँगी ये केचप, और कम पड़ेगी तो बाद में और ऐड कर लूँगी। अब इसमें क्या क्या मैं मिक्स करने वाली हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। ये 2 मिनट में झटपट से तैयार हो जाती है पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपको जल्दी है तो इस तरह से आप रेडी कर सकते हैं। अब इसमें हमारा जाएगा ये चिली फ्लेक्स ले लिया है, और ये लहसुन की कलियाँ थोड़ी बारीक बारीक कर ली थी, इसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है कि कच्चापन नहीं रहे। और थोड़ी सी ले ली है मैंने बिल्कुल ये लाल मिर्च, तो ये जाएगी इसमें। एक पैकेट ले लिया था ओरेगैनो का, ये भी डालते हैं। थोड़ा सा जाएगा इसमें नमक, ये हो गई हमारी फटाफट से पिज्जा सॉस रेडी। हो गई ना 2 मिनट में तैयार, बस यही हमें चाहिए। देखिए जो बैटर हमने रेडी करके रखा था चिकन का, वो इस बाउल में हमने कर लिया था। सॉस भी हमारी रेडी है, और ये ले लेंगे हम चीज के स्लाइस। मेरे पास कम है तो मैं आधा आधा यूज करूंगी, और आपके पास ज्यादा हो तो आप पूरा पूरा एक रख सकते हैं। और ये मैंने ब्रेड मंगाई ली थी, अब ब्रेड निकालते हैं। ब्रेड भी निकाल लिए हमने, अब इस पर हम एक पे सॉस लगाएंगे। सॉस लग गई हमारी एक पे, और एक पे रखेंगे ये चिकन का बैटर। हमने अच्छे से चिकन के बैटर को पूरी ब्रेड पर फैला लिया है, और इस पर जो है हम एक रख देंगे चीज का स्लाइस। तो मेरे पास जो है ज्यादा स्लाइस नहीं है, तो मैं हाफ हाफ करके रख रही हूँ। आपके पास अगर ज्यादा हो तो आप पूरा स्लाइस यूज कर सकते हैं एक ब्रेड पर। तो यहाँ पर मैंने हाफ रख लिया था, और इसके ऊपर से हम रखेंगे जो सॉस लगी हुई ब्रेड है वो हम इस पर रख लेंगे। ये मैंने आपको इस तरह से एक रेडी करके दिखाया है, आप चाहें तो दोनों स्लाइस पर भी ये सॉस लगा सकते हैं, उससे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये दोनों स्लाइस पर मैंने यहाँ पर सॉस लगा ली है, और यहाँ पर अब बैटर जो मैंने बनाया था चिकन का वो भी फिल करते हैं। और ये रख दिया है मैंने स्लाइस, ये हो गया हमारा दूसरा सैंडविच रेडी। इसी तरह से मैं सारे सैंडविच रेडी कर लेती हूँ, और फिर बाद में आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इनको फ्राई करना है। फ्राई करना कोई इतना भारी काम नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि बहुत से जला लेते हैं,
तो इसलिए जब मैं ये सब आपके साथ में शेयर कर रही हूँ तो फ्राई करके भी मैं आपको बताऊंगी। भी हमारा बैटर इतना बच गया है और दो ब्रेड बस इस तरह की बची हैं, तो ये मैंने यूज नहीं करी, चीज भी खत्म हो गई थी और सिर्फ ये एक बिना चीज का बना है और बाकी मैं चीज फिल कर दी है मैंने। अब इसको जो है हम फ्राई करते हैं बटर लगा के, वो भी आपके साथ में शेयर करते हैं। और अब मैं सामान रख लेती हूँ, थोड़े से मैं ये लेकर आई थी और ये भी लिए थे, थोड़े नमकीन मीठे हैं ये, और ये जो है चिप्स की तरह है नमकीन, तो ये सब रखते हैं। अब थोड़ा सा सामान पहले का है मेरा बचा हुआ, कुछ केक के पैकेट हैं, चिप्स के पैकेट हैं, और जो लेना होगा वो रास्ते में से ले लेंगे। सैंडविच सारे रेडी हो चुके हैं, अभी लेकर चलती हूँ और इनको भी फ्राई करती हूँ। टाइम इतना नहीं बचा है, 8 बजने वाले हैं और अभी नहाना भी है, कपड़े भी चेंज करने हैं। दूसरी साइड अम्मी रोटी तैयार कर रही हैं और साथ में थोड़े से पराठे भी रेडी करेंगी। तो यहाँ पर मुझे बटर का यूज़ करना है, घी का यूज़ नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर बटर लगा लेती हूँ ऊपर एक साइड में और फिर एक साइड से सेकूंगी, फिर दूसरी साइड भी मुझे बटर लगाना है। और बटर को मुझे अच्छे से पूरी ब्रेड पर फैला देना है। तो ये देखिए लग चुका है, अब इसको एक साइड से हम फ्राई कर लेते हैं और दूसरी साइड से भी बटर लगा देते हैं। अब फ्राई करने का ये है कि इसको तेज आंच पर आपको फ्राई नहीं करना है, सेकना नहीं है, बिल्कुल धीमी आप आंच कर दें, तब इसको आपको धीमी धीमी आंच पर सेकना है, बस ये आपको करना है। और आपके बहुत ही क्रिस्पी से सैंडविच रेडी होंगे, कि आपको भी पसंद आएंगे और आपके बच्चों को भी पसंद आएंगे। तो ये देखिए बिना चीज़ वाला था जो मैंने यहाँ पर सेक लिया है, अब ये दूसरा मैं आपको सेक कर और कट करके दिखाती हूँ। और दूसरी साइड बन रहे हैं पराठे, कुछ रोटियाँ अम्मी ने तैयार कर ली हैं, उन पर घी लगा लिया है, अब ये पराठे रेडी हो रहे हैं। और साथ ही साथ मैं वीडियो भी बना रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, और इधर साइड में अम्मी पराठे तैयार कर रही हैं, तो वो भी सब मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या काम हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये हमारा सैंडविच भी अच्छे से सिक चुका है, अब इसको आ गई है कट करने की बारी। तो कट भी आप करें तो एक साइड से थोड़ा सा पकड़ें तब कट करें। ये देखिए ये हमारे चीज़ी से सैंडविच रेडी हो चुके हैं। मेरे पास चीज़ कम थी इसलिए मैंने कम यूज़ करी, आपके पास ज़्यादा हो तो आप यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा। और ऐसा भी होता है जो हमने बैटर बना के रखा था उसमें भी आप चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको रखना है ज़्यादा टाइम तक तो फिर चीज़ ना डालें, उससे ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने चीज़ नहीं डाली थी। और ये हमारे इतने रेडी हो गए हैं, मैंने फॉइल पेपर यहाँ पर लगा दिया है, अभी सारे सैंडविच इसमें लगाती हूँ और हॉट पॉट में ये अपना गरम गरम रहेंगे, ठंडे नहीं होंगे जल्दी से। थोड़े से सैंडविच और रह गए हैं, बस उनको भी मैं जल्दी से सेक लेती हूँ और फिर मुझे नहाने जाना है, नहा कर कपड़े चेंज करती हूँ, फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। और ये सारे सैंडविच हमारे रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे, अभी और भी बचे हैं, वो सब मैं बाकी सेक लेती हूँ। और इधर पराठे भी रेडी हो चुके हैं। अब मैं काम निपटा कर आ गई थी, कपड़े निकाले मैंने, ये कॉटन का सूट है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा तो मुझे थोड़ा हैवी तो पहनने हैं नहीं, और घूमने के लिए ये कॉटन का ही सूट सही है, तो मैंने ये निकाल लिया है। और जल्दी से मैं नहा कर रेडी होती हूँ और थोड़ी देर में बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फैक्ट्री से होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारी कहीं जाने की तैयारी है, पूरी फैमिली निकल रही है रामनगर के लिए और आगे भी हमें कहीं और जाना है, लेकिन वो देखिएगा आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी मेरा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, सारी तैयारी हमारी हो चुकी है, बच्चे भी सब आ गए हैं, तो बस निकलते हैं, देर हो रही है बहुत ज़्यादा। और जो भी बातचीत होगी वो गाड़ी में करेंगे आपसे। निकल रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग।
और बच्चों तैयार हो एंजॉय करने के लिए? यस खाला जान। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है निकल गए हैं रामनगर के लिए, रामनगर जा रहे हैं हम, और भी आगे जाएंगे वो आप देखेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। फिलहाल अभी रामनगर पहुंचते हैं और रास्ते में जो भी व्लॉग बनेगा वो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो ऐसे ही मेरे साथ में बने रहिए और हम लोग निकल गए हैं पूरी फैमिली। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है फ्रेंड्स, तो अभी हमने निकाली है क्योंकि सुबह हमने नाश्ता नहीं करा था और काम की वजह से फिर नाश्ता नहीं हो पाया, यही सोचा कि रास्ते में कर लेंगे। तो सब हम लोग लेकर आए हैं लेकिन अभी नाश्ता करेंगे हम आगे जाकर। फिलहाल मैंने निकाल ली है नमको, ये खाते हैं और केक लेते हैं। निकाल लो और हम ये केक भी दे देना। तो ये केक भी माशाल्लाह माशाल्लाह कितने सारे रोज खिले हुए हैं, इतने सारे रोज देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम घर में भी लगा लें तो खिलेंगे नहीं, इक्का दुक्का खिलते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा पेट्रोल पंप जो है ये भरा हुआ है। हम लोग इस टाइम रुके हुए हैं पेट्रोल पंप पर और पेट्रोल डलवा रहे थे गाड़ी में, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर वीडियो बना लेती हूँ। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पर रोज़, और यहाँ पर पिंक भी हैं रेड भी हैं, तो दो तरह के रोज़ हैं। और पूरे पेड़ जो हैं यहाँ भरे पड़े हैं, यानी कि खाली हैं, हर पेड़ पर रोज़ खिला हुआ है। और माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था ना ये नज़ारा, तो भाई मैंने सोचा इसकी तो वीडियो बनती है और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये पिंक कलर के हैं, तो बहुत ही खूबसूरत रोज़ लग रहे हैं। बस ये हमारी वीडियो भी बन गई थी और पेट्रोल भी डल गया था, अब निकलते हैं यहाँ से और आगे का सफ़र जारी करते हैं अपना, जहाँ भी जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं। हम पहुँच चुके हैं अब राम गंगा पर। ये देखिए नदी जो है सारी सूखी पड़ी है, इस टाइम तो पानी भी नहीं है, बहुत मामूली सा पानी है, हल्का चल रहा है। बच्चों निकलोगे बाहर? निकलोगे बाहर या यहीं से बस चलते हैं? यहीं से चलते हैं। मैं देखिए यहाँ पर उतर ही गई, ये आपको दिखाती हूँ उतर के पानी कितना है। ये देखिए आप गाड़ी में सा तो कम लग रहा था। गाड़ी में से बैठ के जो है पानी बहुत कम लग रहा था, लेकिन अब हम यहाँ देख रहे हैं तो काफी ज्यादा पानी है। गाड़ी में तो बैठकर कम लग रहा था लेकिन जब उतर कर देखा तो देखिए काफी पानी है नीचे, और जब ये फुल चलती होगी तब क्या हाल होता होगा। तो यही मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है तो कुछ भी यहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए फिर मैंने वॉइस ओवर किया। और इसी खूबसूरत व्यू के साथ में जो है हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि अभी सफर काफी लंबा है और एक ही व्लॉग में मैं पूरा नहीं दिखा सकती हूँ। तो हम लोग यहाँ से निकल गए और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह से। मिलती हूँ आपसे आगे, और ये व्लॉग जो है अभी कंटिन्यू चलते रहेंगे, इसके भी कई एपिसोड आएंगे, कई पार्ट आएंगे, तो वो सब आप देखिएगा और मेरे व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।